ये ले, हुआ और एक कान। अरे 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। हाँ ये नानकपुरा फ्लाईओवर के पास बॉडी। पुलिस मरती है, कुछ नहीं करेंगे, सरकार ही नहीं करेंगे। तो दामिनी का केस ही ले ले, 10 महीने लगे साले उनको फांसी देने में। लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर रहा है कोई, किसी को भी बिठा लेगा दिन में, यही सच है, यही रहेगा। अरे हिमांशु, ओ सर कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए, चल रहा है? और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वही ऑफिस आना जाना, रोज का काम। रावत जी कोक दे दो। और सर मार्केट तो बहुत डाउन चल रहा है आजकल, जब से डॉलर का प्राइस हाई हुआ है मार्केट बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। और कल तो वोट है, किसे दे रहे हो? अभी सोच रहा हूँ सर, मुझे एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी बात सुने, पर ऐसा है ही कौन, किसको दूं, क्यों दूं? भैया प्याज कैसे? 90 रुपये किलो। एक पाव कर दो। मतदान से दूर ही रहना पसंद करता हूं। क्या करता? पर इस बार छोड़ो यार इलेक्शन को, क्या मतलब ऐसे नौटंकी का। इलेक्शन कमीशन
कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग पोल्स इसको दूं, कोई कुछ सुनता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, फिजूल का शोर और तमाशा, जिससे जनता को मतदान के समय गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं बस। तो आप इस नोटा बटन के बारे में विस्तार में, अब यहां पे मेरे इलेक्शन में खड़े होने के सवाल कहां से आ गए? तो मेरा काम कौन करेगा? सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा ना, उनको जबरदस्ती कौन भेज रहा है? खुद आगे से होके आते हैं और वोट मांगते हैं, मतलब कि आप और बाद में पीठ दिखा लेते हैं, वोट नहीं करना चाहते जी। तो वही तो टेंशन है, सभी को एक साथ वोट करना भी जरूरी है। ये नोटा बटन जो है इसका सिस्टम ऐसे सिटीजन की राइट्स और रिस्पांसिबिलिटी यूएसए और वोटिंग इज मस्ट कई सारे देशों में बहुत पहले से चलता है और हाल ही में पाकिस्तान में भी इस साल जो ये जनरल ठीक है ठीक है चलो मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ओके चलो। तो आपको लगता है कि इस नोटा बटन के प्रचालन से वोटिंग के कंटेंट में कोई नोटिफिकेशन बेशक बेशक लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादातर लोगों को मजबूरी में गलत या फिर उनके नापसंद के कैंडिडेट को वोट करना पड़ता है जी। ये आज के टाइम का फैक्ट है जी। तो अगर जनता को इस नोटा बटन के बारे में सही से जानकारी मिलती है और इसका प्रयोग और इसके रिजल्ट्स के बारे में सही समझ होती है जी। तो वो भले लोग जो किसी भी कैंडिडेट को वोट देकर नहीं जिताना चाहते जी। वो अपना मत सामने रख पाएंगे और इसी के साथ वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ना पक्की बात है। ये नोटा बटन का अगर सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल होता है और ये सारे कैंडिडेट्स के रिजेक्शन का जो मात्रा है वो अगर ज्यादा निकल के आता है तो ऐसे गंभीर मामले में उच्च स्तर पर आलोचना होना तय है और ऐसे स्थिति में रीइलेक्शन का भी स्थल हो सकता है। तो दिल्ली में वोटिंग शुरू हो गई है जी हाँ, सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे से 5 बजे तक दिल्ली में 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और देखिए ये नजारा है दिल्ली के पोलिंग बूथ का, जहां लोग सुबह सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। कुल 11,763 मतदान केंद्र हैं, 64,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। बड़ी और कड़ी सुरक्षा इस बार की गई है दिल्ली चुनाव के। और रोहित, आज दिल्ली जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मना गई है और इसी त्योहार को मनाने के लिए लोग उत्साहित हैं। जितना दिलचस्प ये मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से उतने ही उत्साहित यहाँ के लोग हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से तैयारी, जल्दी उठे आप वोट डालने के लिए? बहुत जल्दी उठे और बिना नहाए वोट डालने जाएंगे और कमल पर ही मोहर लगाएंगे, डॉक्टर साहब को ही जिताएंगे। मेरे साथ महिला भी है यहाँ पर, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि पहले आज रसोई में जाएंगे किचन में पहले वोट डालने? नहीं, पहले वोट डालने जाएंगे फिर किचन में जाएंगे। पहले वोट डालने जाएंगे उसके बाद किचन में जाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, क्या घर पहले लौटेंगे या फिर वोट डाल? पहले वोट डाल के फिर वापस जाऊंगा। आप क्या करें? सबसे पहले वोट डाल के आया हूं अभी। ये सब यहाँ पर हमारे साथ एक है यहाँ पर युवा जो वोट डाल के आए हैं और ये निशान दिखा रहे हैं, अपनी ताकत का अंदाजा बता रहे हैं कि किस तरह से जो वोट करने के लिए आज जो किंग मेकर है दिल्ली में, जो फैसला तय करना है जिसे यहाँ के उम्मीदवारों का, वो अब वोट डालना यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोगों में यहाँ पर उत्साह भी दिखाई दे रहा है।